वेलकम टू ज्ञान विंडोज की। इस वीडियो में हम जानेंगे बालों को तेजी से बढ़ाने के घरेलू उपाय। अगर आप अपने बालों को बढ़ाना चाहते हैं वो भी तेजी से, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम जानते हैं कि बाल लंबे न होने के मुख्य कारण क्या होते हैं। पहला बढ़ती उम्र, दूसरा पौष्टिक तत्वों की कमी, तीसरा अनुवंशिकता, चौथा हार्मोनल संतुलन में गड़बड़ी, पांचवा भावनात्मक तनाव, छठा किसी तरह की कोई बीमारी होना। इन वजह से आपके बाल नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप अपने बालों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से घरेलू उपचार करने चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर वन, आपको एक या फिर दो प्याज लेने हैं और रुई का टुकड़ा लेना है। अब इसका आप उपयोग कैसे करोगे? प्याज को काटकर उसका रस निकाल लें, चाहे तो प्याज को मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इस रस को रुई की मदद से बालों पर लगाएं। रस को 15 मिनट तक बालों पर लगा रहने दें, उसके बाद आप शैम्पू से बाल को धो सकते हैं। अब हमने प्याज को ही क्यों चुना? बालों को लंबा और घना करने के उपयोग में प्याज काफी ज्यादा मददगार होता है। प्याज के रस का उपयोग एलोफेशिया, बाल झड़ने की समस्या और बालों को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा किया जाता है। नंबर दो, बालों को लंबा करने के लिए आप जिनसेंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिनसेंग का तेल होता है जो कि आप 2 से 3 चम्मच लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस तेल से बालों की मालिश करनी है। लगाने के बाद 1-1.5 घंटा आप छोड़ दीजिए, उसके बाद आप बालों को शैम्पू से धो सकते हैं। इस तेल को लगाने से भी बालों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। नंबर तीन, बालों को बढ़ाने के लिए आप बायोटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 या 3 आपको बायोटिन की गोलियाँ लेनी है। थोड़ा सा ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल या फिर नारियल का तेल लेना है। अब इसका आप उपयोग कैसे करोगे? बायोटिन की गोलियों को पीसकर पाउडर बना लीजिए और हेयर ऑयल में मिला दीजिए। अब इस मिश्रण को बालों पर लगाइए और रात भर के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। अगली सुबह आप इसको धो सकते हैं। अब इसका क्या फायदा होता है? बालों को लंबा करने का उपाय करने में बायोटिन का नाम भी शामिल है। त्वचा और बालों के लिए बायोटिन जरूरी पोषक तत्व होता है। इसे विटामिन बी भी कहते हैं। ये बालों को पतला होने से रोकता है और झड़ने से भी रोकता है, इसलिए आप बायोटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर फोर, आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक अंडा लीजिए, एक कच्चे अंडे को फेंट कर बालों पर लगा दीजिए और थोड़ी देर बाद शैम्पू से धो सकते हैं। ये तरीका अपनाने से भी बालों की लंबाई बढ़ती है। नंबर पाँच, आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा को काट कर उसके अंदर का जो द्रव या फिर जेल होता है उसको आप बालों पर लगा लीजिए, उसके बाद 1-2 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दीजिए, फिर आप शैम्पू से धो सकते हैं। एलोवेरा की वजह से जो डैमेज बाल होते हैं वो सही होते हैं, बालों के झड़ने की समस्या सही होती है, डैंड्रफ जैसी समस्या भी गायब हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना है कि अगर आप बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, डैंड्रफ को हटाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताए गए नुस्खों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी घरेलू नुस्खे हैं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्ञानवीर नुस्खे को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार।